सुजानपुर टीहरा के मुख्य बाजार वार्ड नंबर 2 के नाले हनुमान मंदिर के पास बनी नालियों की साफ सफाई नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा दर्जनों सफाई कर्मचारियों के साथ करवाई गई, जिसमें वार्ड नंबर 2 में बने नालों में सफाई करवाई गई। ये सफाई नॉन तक करवाई गई। वहीं हनुमान मंदिर के पास बने नाले की सफाई भी की गई। मुख्य बाजार में रेड़ी फेड़ी वाले जो चौमिन मोमो अन्य खाद्य सामग्रियां बेचते हैं, उनको अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री को ढक कर रखें। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा स्थानीय दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि दुकानदार दुकान का कूड़ा दुकान में रखे। यदि दुकान का कूड़ा दुकान के बाहर मिला तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। स्वच्छ भारत का सपना पूरा करते हुए नई नगर परिषद के प्रधान अशोक मेहरा ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए भविष्य में भी यह सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से भी आग्रह किया है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और जब सफाई कर्मचारी कूड़ा लेने आते हैं तो कूड़ा उनकी रेड़ी में ही डालें, ताकि कूड़े की समस्या खत्म हो सके और मोदी सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके। सबसे पहले हनुमान का जन्म मंदिर के पास जो नाला है वो बिल्कुल साफ कराया गया। उसके बाद वार्ड नंबर 3 में जो नाला है मेन रोड में वो साफ कराया गया। और उसके बाद अपना वार्ड नंबर 2 में जो नाला है और जो सब्जी उब्जियाँ बड़ा कुछ फेंका था वहाँ धीरे शीरे वो साफ कराई। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी गई किसी नाले में मत फेंके और अपना डस्टबिन लगाए। 2 टाइम हमने सुबह लग रेडी जाती है, दोपहर के बाद लग जाती है, उस रेडी में अपना गंद डाले। मैं अपील भी करता हूँ दुकानदार भाइयों से कि भी गंद ना फैलाएं।